हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे वेदर इतना जबरदस्त है, क्या बताओ यार, मस्त ही वेदर है, बहुत मजा आ रहा है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आज का दिन हम्पी में वी आर प्लानिंग टू गो टू हिप्पी आइलैंड, और जो भी है, जो भी बचा कुचा होगा देख लेंगे, आज टूरिंग कर लेंगे। सी बिहाइंड मी वो हम लोग का होटल है, यानी पूरा जो रोड है वो इट्स अ पार्ट ऑफ द होटल ओनली। एंड यहाँ पे जो सामने जो दिख रहा है वो एग्जिट है। वेल, बहुत ही सही लग रहा है। यहाँ पे जस्ट मैं वॉक करने आया हूँ तो चेक कि बाहर क्या है। बाकी पूरी फैमिली रूम में रेडी होने के लिए गई है, तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है। सो लेट्स सी नाउ, लेट्स एक्सप्लोर यहाँ पे बाहर क्या क्या है, लेट्स चेक इट आउट। 1 hour later. This is made in 14th century. So, दोस्तों अभी हम लोग आए अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल देखने के लिए। आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट इनसाइड। बहुत ही सही लग रहा है। ओम नमः शिवाय। देखा भाई क्या मस्त बनाया हुआ है। यहाँ से हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं जगह को। ओ भाई साहब, यहाँ से व्यू तो देखो बहुत सही है पीछे से। निकलते हैं यहाँ से, एक म्यूजियम जाने का प्लान है। लेट्स सी, लेट्स गो। A few moments later. अभी हम लोग आए हैं एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम देखने, जो इसके पहले हम लोग ने शिवा टेम्पल देखा था, अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, उससे काफी नजदीक था ये म्यूजियम। यहाँ पे जितने भी स्टोन कार्व किए हुए आर्ट पीसेस है, ऑल आर फ्रॉम लाइक 13th, 14th, 15th century, 16th। ये पूरे म्यूजियम में मुझे सबसे ज्यादा, मतलब एक होता है ना एक आर्ट पीस जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है, वो था ये। दिस वॉज सो ब्यूटिफुली कार्व्ड। अगर आप देखते हो हर एक चीज को बहुत डिटेल्ड वे में कार्व किया हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये, मतलब मैं देख के हैरान हो गया। आई थिंक दिस वॉज कार्व्ड समवेयर अराउंड 15th-16th century, बहुत ज्यादा पसंद आया। हम लोग आए हैं हिप्पी आइलैंड की सर्च में, बट अभी वी गॉट टू नो दैट हिप्पी आइलैंड इज तो इधर देखने के लिए कुछ नहीं है, डेमोलिशन हो गया। खाने के लिए भी कुछ नहीं, खाने के लिए आए ना बाहर बेसमेंट कॉफे। कौन सा कैफे? इधर आगे, इधर इधर अंदर कुछ भी नहीं है, लेक वेक कुछ भी नहीं है। पहले इधर टूरिस्ट रहते थे। अच्छा, ऑल इंडिया
खाने क्या कर रहे थे आउट ऑफ कंट्री का रशियन वगैरह अभी कोई नहीं है। चलो फिर टर्न मारो उधर जाओ बेंजमिन कॉफी अच्छा रहता है वेस्टर्न फूड रहता है देखो। थैंक यू। सिक्सटी आइलैंड की तलाश में हम लोग आए हैं बट जैसे कि उसने बताया एवरीथिंग इज डेमोलिश्ड नाउ सो लेट्स गो। अभी चाहते हैं लंच करते हैं बाहर उसने कैफे रिकमेंड किया वहाँ जाके वी विल हैव लंच। कैफे देख के तो इंटरेस्टिंग लग रहा है लेट्स सी हाउ इट इज। बेंजामिन कैफे करके रिव्यूज गूगल में अच्छे लगे एंड इट इज एग्जैक्टली ऑन मेन रोड सो लेट्स ट्राई द फूड एंड सी हाउ इट इज। Hours later. So guys, we are back to hotel and we had lunch at Hippie Island. Hippie Island toh close ho chuka almost. Like वहाँ पे कोई hippies रहते नहीं अभी. तो सब demolish हो गया and nobody stays over there. But जो cafe मिला, जो hippie cafe है, मस्त cafe था. Especially उसका lasagna. I loved it. मजा आ गया. So far it's been going really good. बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा है ये road trip में. अभी let's see क्या करना है अभी थोड़ा देर रूम पे आराम करेंगे एंड देन वी विल थिंक अबाउट सम प्लान। इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock तो आई थिंक सब लोग चाय कॉफ़ी पीने के लिए वापस बाहर निकलने वाले हैं। हम्पी का सबसे अच्छा पार्ट द बेस्ट पार्ट अबाउट हम्पी सारे जगह वो रॉकी माउंटेन्स। फैसिनेट हो चुका हूँ मैं ये सब देख के मतलब आई डिडेंट एक्सपेक्ट कि इतने ज़्यादा माउंटेन्स होंगे। आई माइट बी रॉन्ग बट व्हाट आई थिंक इज दैट हम्पी स्टिल अंडर रेटेड एंड आई बिलीव दैट लोगों ने यहाँ पे आना चाहिए दे शुड स्पेंड गुड टाइम एक्सप्लोरिंग द हम्पी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द विठला टेम्पल एंड द चैरियट जो 50 rupees के नोट के ऊपर प्रिंट होके आता है। मोर देन दैट इन हम्पी इफ कोई प्लान कर रहा है हम्पी यू नो जाने के बारे में तो गाइज यू नो हम्पी मिस नहीं करना। आई एम वेरी हैप्पी आई लव्ड इट एवरीबडी इन माई फैमिली लव्ड इट। हम लोग को लगा एक दिन में खत्म हो जाएगा बट नहीं हर चीज़ अच्छे से देखने के लिए यू शुड एटलीस्ट हैव 2 to 3 days बट वी आर डन लाइक आज का लास्ट डे है। हम लोग 3 nights के लिए आ पे थे सो टू नाइट एंड टुमारो मॉर्निंग वी आर हेडिंग टू आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन लेट्स सी कैसा जाता है।